नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। दो बज चुके हैं यानी वक्त हो गया है न्यूज 100 का। 15 मिनट में देश और दुनिया की सारी बड़ी टॉप स्टोरीज बैक टू बैक। एलओसी के हालात पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बात की, जवानों के साथ बर्बरता पर आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रक्षा मंत्री अरुण जेटली, एलओसी के हालात और जवानों के साथ बर्बरता पर दी जानकारी। पंजाब के तरन तारण में शहीद परमजीत सिंह पंचतत्व में विलीन हुए, सैन्य सम्मान के साथ वीर सपूत को दी गई अंतिम विदाई। पहले शहीद परमजीत की पत्नी ने अंतिम संस्कार पर लगाई थी रोक, सर वापस लाने तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़ गई थी शहीद की पत्नी। शोक में शहीद परमजीत का परिवार, बेटे और बेटी ने कहा पिता पर गर्व है आज। जम्मू में शहीद प्रेम सागर को दी गई श्रद्धांजलि, पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा, किरण रिजिजू ने श्रद्धांजलि दी। यूपी के देवरिया में शहीद प्रेम सागर के घर मातम, परिवार की सरकार से अपील, शहीदों के बारे में गंभीरता से सोचें। शहीद प्रेम सागर की बेटी की मांग, पिता की शहादत के बदले चाहिए दुश्मन के 50 सर। शहीद प्रेम सागर और परमजीत सिंह को पुंछ में भी दी गई श्रद्धांजलि, भारत माता की जय के नारों से गूंजा पूरा इलाका। सेनाओं के साथ बर्बरता से गुस्से में शहीद लांस नायक हेमराज की मां, सरकार को एक के बदले 10 सर लाने का वादा याद दिलाया। जम्मू में स्कूली बच्चों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग की। यूपी के देवरिया में शहीद प्रेम सागर के घर के बाहर स्कूली छात्रों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। जवानों के साथ बर्बरता को लेकर गुस्से में गाजियाबाद के लोग, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी में हाथरस में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। पाकिस्तान के खिलाफ मुंबई में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, कड़ी कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में भारतीय सेना के समर्थन में लोगों की नारेबाजी, पाकिस्तान को जवाब देने की मांग कर रहे हैं। जवानों के साथ बर्बरता के मामले पर लुधियाना में लोगों का गुस्सा फूटा, पाक के खिलाफ नारेबाजी की गई, झंडा भी जलाया। लखनऊ में भी फूटा लोगों का गुस्सा, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग कर रहे हैं। शहीदों के शव से बर्बरता पर बोले बीएसएफ के एडीजी केएन चौबे, कहा फायरिंग का फायदा उठाकर बैट ने यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने शहीदों के शव के साथ बर्बरता की। भारतीय जवानों के साथ बर्बरता के सवाल पर पाक उच्चायुक्त की चुप्पी, अब्दुल बासित ने पत्रकारों के सवालों को नजरअंदाज किया। दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा, 40 मिनट तक ये बैठक चली, घाटी के ताजा हालात की जानकारी दी। सेना पर हमले की गुलाम नबी आजाद ने निंदा की, कहा जब तक बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार रहेगी हालात नहीं सुधरेंगे। शहीदों के साथ बर्बरता पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार कब कोई ठोस कदम उठाएगी। पुंछ में दो जवानों के शव के साथ कल हुई थी बर्बरता, पाक सेना ने शवों को क्षत विक्षत कर दिया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में होने वाले लोकसभा उपचुनाव रद्द कर दिए गए हैं, चुनाव आयोग ने कहा फिलहाल वहां हालात ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में संदिग्ध आतंकियों ने बैंक को लूटा, 65,000 रुपए लेकर फरार हुए। दिल्ली में नेवी कमांडर्स की सालाना मीटिंग में शामिल हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी कुलदीप सिंह रायपुर पहुंचे, नक्सलियों के खिलाफ बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत और पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग करने वाले 667 ट्रेडर्स पर एनआईए की नजर है, ट्रेडिंग कंपनियों के मालिकों से कई राउंड पूछताछ हुई है। ट्रेडिंग कंपनीज के जरिए हिजबुल और अलगाववादी नेताओं को फंडिंग का शक है, 2008 से 2016 के बीच हुए व्यापार पर एनआईए की नजर है। अमित शाह ने कहा एमसीडी चुनाव में जीत सिर्फ दिल्ली की नहीं देश की है। विजय पर्व के मौके पर अमित शाह ने कहा एमसीडी में जीत दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने की नींव है। अमित शाह ने पार्षदों से कहा जरूरत है कि जीत के बाद हम और विनम्र और जवाबदेह बन जाए। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी चलते या दौड़ते नहीं बल्कि छलांग लगाकर परिवर्तन करते हैं। सिविक सेंटर में बोले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, कहा एक विजय मिल चुकी है, अभी दूसरी बाकी है। लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है, सभी विभागों में ई टेंडरिंग को 3 महीने के अंदर लागू करने का फैसला हुआ। योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला हुआ, जीएसटी लागू करने के मसौदे को मंजूरी दी गई। यूपी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नियमों को दी गई मंजूरी। योगी सरकार 24 जनवरी को मनाएगी उत्तर प्रदेश दिवस, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी दी। लखनऊ में पेट्रोल पंप की हड़ताल खत्म, डीएम से बातचीत के बाद लिया फैसला, एसटीएफ के छापों का कर रहे थे विरोध। पेट्रोल पंप मामले पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा दबाव में नहीं आएगी सरकार, परेशानी का हल निकालेंगे लेकिन चोरी नहीं होने देंगे।
केंद्र सरकार आज मना रही है गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस। योगी आदित्यनाथ गंगा किनारे बसे शहरों और गांवों के लोगों को दिलाएंगे गंगा को स्वच्छ बनाने की शपथ। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी के साथ डिनर करेंगे अमित शाह। यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर होगी चर्चा। अमित शाह और योगी की मुलाकात में बनाई जाएगी 2019 की स्ट्रैटेजी। आरएसएस के 150 विस्तारों को चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में कलह और बढ़ गई है। पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने आम आदमी पार्टी की संसदीय कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। पीएससी की बैठक में नहीं पहुंचे कुमार विश्वास। कई विधायकों ने अमानतुल्लाह को पार्टी से निकालने के लिए केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। मुंबई में समाजवादी पार्टी के पार्षद रईस शेख की मांग, बीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर वेतन 400% बढ़ाने की मांग। मुंबई में चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर कांस्टेबल को घसीटा, सीसीटीवी के जरिए यह खुलासा हुआ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर पर हुई तोड़फोड़ मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए। रविवार को हुई घटना में अब तक 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगरा में गला दबाकर चौकीदार की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश का शक है। यूपी के संभल में बेकाबू बस ने बच्ची को कुचला, बस ड्राइवर फरार है। नाराज लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। गाजियाबाद के कवि नगर में तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर हुई, हादसे में एक की मौत हो गई, 6 लोग घायल। यूपी के फतेहपुर में नर्स का अस्पताल संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। आजमगढ़ में दलित महिला टीचर से मारपीट का मामला सामने आया, एनपीआरसी प्रभारी पर जूते से मारने का आरोप है। यूपी में इटावा में सरकारी अस्पताल की संवेदनहीनता देखने को मिली है। बेटे के शव के लिए पिता को नहीं मिली एम्बुलेंस, कंधे पर ले जाना पड़ा पार्थिव शरीर। यूपी के बागपत में किसान परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु, अपनी जमीन पर भू माफियाओं के कब्जे से परेशान है किसान का परिवार। लखनऊ में दारोगा के पद पर भर्ती हुए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, 2011 में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी तैनाती नहीं होने से नाराज। गुरुग्राम में फर्जी तरीके से विदेश से हथियार मंगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। निशानेबाज खिलाड़ी के नाम से 2 पिस्टल मंगाने पर खुलासा हुआ। बिहार के बेगूसराय में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हो गई, गुस्साए लोगों का हंगामा, सड़क जाम के दौरान कई ट्रकों के शीशे तोड़े। बिहार के सीतामढ़ी में बारातियों से भरी बस पलटने से करीब 24 लोग घायल हो गए, कई लोगों की हालत सीरियस है। पटना में शादी के दौरान हिंसक झड़प हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। बिहार के फरबिसगंज में चोरों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है, 15 दिन पहले हुई वारदात में भीड़ ने चोर को पीट पीट कर मार डाला। एमपी में 108 एम्बुलेंस की हड़ताल का आज 7वां दिन है, प्रशासन और एम्बुलेंस कर्मचारियों की बैठक भी बेनतीजा। एमपी के ग्वालियर में बीजेपी नेता रुद्र आर्यन की गोली मारकर हत्या, जमीनी रंजिश को लेकर 3 लोगों ने किया हमला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के करौली में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, पानी की टंकी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। एमपी के रतलाम में 2 बहनों की शादी बन गई मिसाल, दूल्हों का दहेज से इनकार, संकल्प के तौर पर 8वां फेरा लिया। उज्जैन में युवक को भीड़ ने पीटा, लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप उस पर। अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत की 4थी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। कर्नाटक के गुलबर्ग में गांव वाले खुद ही बंद कर रहे हैं खुले हुए बोरवेल, बच्चों की सुरक्षा को लेकर गांव वालों को चिंता। कर्नाटक के बागलकोट में स्थानीय नागरिकों ने मगरमच्छ को बचाने की कोशिश की, कृष्णा नदी के कीचड़ में फंस गया था ये मगरमच्छ। बादल के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पशुपेश में है पंजाब सरकार, प्राइवेट कंपनी ने भेजा 118 करोड़ का बिल, सरकार ने किया पेमेंट से इनकार। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो गया है, बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी है, तापमान में भी गिरावट आई है। श्रीनगर में सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, युवा कलाकारों ने दीवारों पर पेंटिंग्स भी बनाई। मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में खोले जाएंगे 3000 जन औषधि केंद्र, मरीजों को सस्ती दवाएं मुहैया कराने की ये मुहिम है। हीरो मोजो ने 2 व्हीलर के दाम बढ़ा दिए हैं, 500 से 2200 रुपए तक बढ़ गई है कीमतें, 1 मई से लागू होंगे नए दाम। राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफिस के चक्कर आपको नहीं लगाने होंगे, 200 सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन होंगी। बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, कीमत में 92 रुपए की कमी है, सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी है। एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट पर अब पहले से कम मिलेगा ब्याज, बैंक ने डिपॉजिट दरों में 0.5% की कटौती की है। आईपीएल में आज दिल्ली और हैदराबाद के बीच मैच होगा, दिल्ली पर प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा है।
आईपीएल में पुणे ने गुजरात को 5 विकेट से हराया, बेन स्टॉक्स ने बनाया शतक। कनाडा के टोरंटो में धमाका हुआ, अंडरग्राउंड बिजली ट्रांसफार्मर में ये ब्लास्ट हुआ है। अमेरिका के मिसौरी में बाढ़ के हालात और खराब हो गए हैं, अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। अमेरिका के डलास में इमरजेंसी कॉल पर गए फायर फाइटर को मारी गोली, आरोपी की तलाश अभी जारी है। ट्रंप की नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन से मिलने की इच्छा पर व्हाइट हाउस की सफाई, कहा पहले किम को माननी पड़ेंगी शर्तें। नॉर्थ कोरिया में भी मनाया गया लेबर डे, प्योंगयांग इलेक्ट्रिक केबल फैक्ट्री के कर्मचारियों ने कई सारे खेल खेले। चीन के चायोयांग प्रांत में एक होटल की पार्किंग में खड़ी बसों में अचानक आग लग गई, 50 फायर फाइटर्स ने पाया आग पर काबू। लेबर डे के मौके पर पेरिस में निकाली गई रैली, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। इराकी सेना ने किया महीने भर में पूरे मोसुल पर कब्जा करने का दावा, पुराने मोसुल शहर में तंग गलियों में चल रही है लड़ाई, उसकी वजह से हो रही है मुश्किल। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना ने बमबारी का एक वीडियो सामने लाया है, मानवाधिकार संगठन ने किया 12 लोगों की मौत का दावा। दक्षिण कोरिया में क्रेन गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए, सैमसंग कंपनी की बताई जा रही है ये क्रेन। स्पेस एक्स कंपनी ने पूरा किया पहला मिशन, अमेरिकी सरकार के लिए टॉप सीक्रेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर वापस लौटा रॉकेट। सलमान के बहनोई आयुष शर्मा जल्द कर सकते हैं अपनी डेब्यू फिल्म का ऐलान, कहा बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार हूं।